कारगिल वॉर के हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने आज नागपुर में मीडिया के साथ खुलकर बातचीत की। सिविल लाइन स्थित मनपा मुख्यालय में महापौर दयाशंकर तिवारी के कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव विविध मुद्दों पर बातचीत की। महापौर माननीय श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी जी, नागपुर, इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो एक उद्यान के माध्यम से अलग जगाने का जो एक प्रयास किया है, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि सैनिक का जो सैनिक है वो तो बॉर्डर पे रहकर के देश की रक्षा सुरक्षा ही कर सकता है, देश के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा जगाने का जो काम है, तो ये दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी जैसे जो महापुरुष हैं ये करते हैं, क्योंकि यहीं से इस समाज से ही निकल करके हमारे राष्ट्र प्रेमी बनते हैं, राष्ट्र के रक्षक बनते हैं, जिससे राष्ट्र हमारा सशक्त होता है, समृद्ध होता है, स्वच्छ होता है। तो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे व्यक्तियों का हर एक नागरिक को नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और मैं इनके प्रयास को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज मैं रात से आया हुआ हूँ, रात से लेकर के अभी तक देखा है कि महानगर है ये नागपुर, महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है, और इतना बड़ा महानगर होने के बाद जो एक राष्ट्र प्रेम की, सैनिकों के प्रति एक सम्मान की जो एक भावना जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये सराहनीय है। मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि कहीं पर जो है टैंक लगे हुए हैं, कहीं पर कुछ लगा हुआ है, उनके शौर्य को लोगों तक पहुँचाने की जो प्रयास किया जा रहा है ये काबिले तारीफ है। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर देश प्रेम का जज्बा हो, राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम, तभी वो उन्हीं भाव और भावनाओं को समाज और राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो बड़े भाई जो तिवारी जी नागपुर के मेयर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस राष्ट्र में हैं, और ये बहुत विरले होते हैं। इनके ऊपर परमात्मा की अनुकंपा होती है कि वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वोच्च नौछावर करते रहें और इस राष्ट्र को और आगे बढ़ाते रहें। मुझे इस वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन में आने का सौभाग्य इन्होंने दिया, मैं इनको इस कार्य के लिए नमन करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त भी करता हूं कि इन्होंने 21 परमवीर चक्र जो कि 1947 से आज तक 21 ही परमवीर चक्र हैं, जिनको 14 को मरणोपरांत, 7 को जीवित, और जिसमें से आज 3 जीवित हैं, जिनको आप 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे परेड पर देखते हो, उनकी इतिहास को, उनकी को इस कार्य के लिए नमन करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त भी करता हूं कि इन्होंने 21 परमवीर चक्र जो कि 1947 से आज तक 21 ही परमवीर चक्र हैं, जिनको 14 को मरणोपरांत, 7 को जीवित, और जिसमें से आज 3 जीवित हैं, जिनको आप 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे परेड पर देखते हो, उनकी इतिहास को, उनकी मूर्तियों को इस नागपुर शहर के लिए अर्पित किया है, ताकि नौजवान बुजुर्ग जब हमारे उस उद्यान में जाएं तो वो एक उद्यान नहीं रहा, अब वो एक पावन धाम बनेगा। क्योंकि जहां वीरों का शौर्य लिखा हो, वीरों की प्रतिमाएं लगी हो, वो उद्यान जो हमारा यूथ है वो जानेगा कि किस तरह से इन सैनिकों ने अपने सैन्य काल के दौरान जो इनके पास कठिनाई आई, अपने लक्ष्य और दायित्व का निर्वाह करते हुए
किस प्रकार से राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया और किस जगह पर दिखाया, ये भी वहां पर अंकित होगा। और उससे नौजवान के अंदर एक नई भाव और भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं जागृत होंगी। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग उस उद्यान में जाएंगे, उनके अंदर अपने बच्चों में वो चीजें समाहित करने के एक प्रेरणा मिलेगी कि राष्ट्र जो अगर विकसित करना है, राष्ट्र को अगर समृद्ध बनाना है तो हमें सैनिकों का सम्मान करना होगा। और ये सत्य है, जिस धरती पर सैनिकों का और नारियों का सम्मान होता है वो धरती स्वर्ग जैसी पूजनीय होती है। तो ऐसे भाव जब हमारे समाज के अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे तभी समाज के अंदर से जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी और हम एक नए राष्ट्र का, नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत जरूरी, क्योंकि आज नौजवानों के अंदर नकारात्मकता ज्यादा बढ़ती जा रही है और सकारात्मकता बहुत कम है। तो इन्हीं जैसे प्रयासों से हम अपने नौजवानों के अंदर सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं और जब सकारात्मकता होगी तभी राष्ट्र मजबूत भी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो यूथ ही है ना, नौजवान ही इस राष्ट्र की ताकत है। और जब वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में, देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान देना शुरू करेगा और हर काम में राष्ट्र को सर्वप्रथम रखेगा तो राष्ट्र अपने आप पावरफुल होता हो जाएगा। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।